बड़का गांव के काली मंदिर प्रांगण में वर्तमान झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की विफलता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सानिध्य में विरोध प्रदर्शन एवं भ्रष्टाचार रूपी पाप का घड़ा फोड़ने का कार्यक्रम आयोजन बड़का गांव पश्चिमी मंडल युवा अध्यक्ष गौतम वर्मा एवं केरेडारी युवा अध्यक्ष शेरू सिंह उरीमारी युवा अध्यक्ष विजय यादव के द्वारा की गयी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री अमित साहू उपस्थित हुए एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा पैदल मार्च करते हुए मुख्य चौक में भ्रष्टाचार का घड़ा फोड़ा गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़का गांव पश्चिमी मंडल अध्यक्ष गौतम वर्मा, उपाध्यक्ष शशि कुमार सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी अरुण कुमार, मंत्री रवि सोनी, महामंत्री रमनेश मिश्रा, संदीप कुमार, प्रखंड उपाध्यक्ष पूर्वी बड़का गांव टुकुन करमाली आदि उपस्थित थे। बड़का गांव से राजेश कुमार की रिपोर्ट। हेमंत सरकार तानाशाही जो नहीं चलेगी, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जब से हमारे झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन ठगबंधन जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार जब से आई है, तब से आज सरकार के बने हुए 1.5 साल हो गए। अभी तक सरकार ने जो अपनी एजेंडा को लेकर के चुनावी मैदान में, विधानसभा मैदान में आई थी और सरकार बनाने का काम जैसे ही काम किए, उसके बाद से हमारे झारखंड के युवा साथियों से, युवाओं को रोजगार देने के नाम से उन्होंने वोट बटोरने का काम किया और आज तक हमारे युवा साथियों को रोजगार नहीं दिए हैं, जिसके कारण हम लोग आज खुले मैदान में हैं, युवाओं के साथ हैं, युवाओं को ठगने का, मचलने का काम वो कर रहे हैं, जिसके कारण युवा झारखंड में परेशान परेशान हैं। जो व्यक्ति अनुबंध कर्मी थे उनको भी हटाने का काम हो गया। हम लोग का अभी मिशन है कि जब तक युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, तब तक हम लोग का ये आंदोलन जारी रहेगा।